अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आजकल जरा न्यू ट्रेंड चला हुआ है मोबाइलों के अंदर ना, बैक के कैमरे की शेप के लिहाज से। तो आज बात करूंगा मैं ऑनर्स पे। ऑनर वो नहीं, आई एम ऑनरेबल मैन, ये नहीं है, ये हवावे की सब ब्रांच है ऑनर सीरीज। तो ये भी काफ़ी अच्छे मोबाइल बनाती है। इसका लेटेस्ट मॉडल आया ऑनर V30, मतलब V30, और उसका प्रो मॉडल भी है। तो मैं प्रो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 19-20 के फर्क होगा, ज्यादा इतना फर्क तो होना नहीं है इसमें प्राइस का। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में आई थिंक आपको प्री ऑर्डर पे ऑप्शन मिल गई है इसकी। दूसरी चीज, इसकी पाकिस्तानी जो प्राइस बन रही है वो 89,000, 90,000 लगा लो यार, कम से कम 1,000 रुपये का तो इसका 3D ग्लास प्रोटेक्टर होगा। सारी बात है, सब कुछ पूरा करते करते तो आपका 90,000 रुपया पूरा आ जाएगा। तो जरा चेक करते हैं कि यार 90,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा या कहीं और कर लो। तो पाकिस्तान में अवेलेबल है। स्क्रीन साइज और पीपीआई रेजोल्यूशन की बात करूँ इसकी, तो मजे की बात यह है कि इन्होंने फ्रंट कैम की बात कर ले तो मैं पहले फ्रंट कैम के जो उन्होंने पंच होल स्टाइल कैमरे का निकाला, ये सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S10 में था, S10 Plus में दिया था इन्होंने, इन्होंने भी दे दिया, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट OnePlus कंपनी भी इसी स्टाइल को फॉलो कर रही है क्योंकि ये कैमरे जो से स्क्रीन डिस्प्ले में आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग, अच्छा पॉपअप को लोग नहीं पसंद करते, फुल डिस्प्ले तो हो जाता है उससे, लेकिन अक्सर जो है ना लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। स्क्रीन साइज और पीपीआई रेजोल्यूशन 6.5 इंच स्क्रीन है, 400 PPI रेजोल्यूशन है, ठीक है इतने हाई डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे मैं स्नैपड्रैगन ही मिला, स्नैपड्रैगन पे उन्होंने किरिन का चिपसेट दिया है 990, जो कि स्नैपड्रैगन 855 की इक्वल है। लिहाजा सेट तो इन्होंने काफी अच्छे वाला बनाया हुआ प्रोसेसर को देखा जाए। अब इसमें रैम रोम कार्ड की ऑप्शन नहीं, कार्ड स्लॉट ही नहीं दी उन्होंने, शायद आईफोन को कॉपी की है इन्होंने या वन प्लस को की है, कार्ड स्लॉट का चक्कर ही खत्म। रैम 8 GB रैम के साथ 128 और 256 में, मतलब के दो ऑप्शन मिल गई हैं आपको, रैम सेम रहेगी, रोम में चेंजेस है। बैक पे ट्रिपल कैमरा है लेकिन डिब्बा टाइप बना हुआ है, मुझे स्टाइल अच्छा लगा, इतना बुरा नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। 40 MP कैमरा अपॉर्चुनिटी 1.6 के साथ, 8 MP कैमरा 3x जूम और 12 MP कैमरा अल्ट्रा वाइड ग्रुप सेल्फी। वैसे फ्रंट से सेल्फी होती है, बैक से तो चलो ग्रुप पिक्चर कह लो आप लोग। 2160p रेजोल्यूशन जो है ना उस पर वीडियो बनेगी, ठीक है 4K वैसे देनी चाहिए थी इन्हें। अब 40 MP कैमरे के यहाँ दे रहे तो 4K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। इससे अच्छा तो iPhone 11 है, जस्ट 11 की बात करूंगा, उसमें तो उन्होंने फ्रंट कैम पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दी है। इस मामले में जो ना आईफोन अच्छा लगा इस पर ही। फ्रंट कैम की 32 MP और 8 MP अल्ट्रा वाइड, 8 MP ग्रुप के लिए, 32 MP रेगुलर कैमरा होगा, 1080p रेजोल्यूशन वीडियो लहाजा एक बार समझ नहीं, कैमरे ही इंक्रीज करें लेकिन रेजोल्यूशन क्यों नहीं बढ़ा रहे? हेडफोन जैक भी नहीं होगा इसमें तो बुरी है, बट टाइप सी जैक आपको लगा के जो उनसे ना हेडफोन लाउड। अब बात कर लेते हैं इसकी फिंगरप्रिंट, तो जाहिर पता साइड माउंटेड, साइड माउंटेड इसे कहाँ लगेगा ये फिंगरप्रिंट? लगता है कहीं साइड पे इन्होंने बनाया हुआ है इसकी ऑप्शन लगाने की, डिस्प्ले के अंदर नहीं है, अब इस चीज की मुझे समझ नहीं आई। USB रिवर्सिबल कनेक्टर, USB ऑन द गो, मतलब कि रेगुलर USB टाइप सी नहीं है इन्होंने दी। बैटरी की बात कर ले तो 4500 mAh बैटरी। अब मैं जरा कंफ्यूज हूँ, ये सेट इन्होंने बनाया क्या है? इसे मैं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहूंगा या फिर रेगुलर टेक्नोलॉजी कहूंगा, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें मिक्स करके कर दी है। हेडफोन जैक निकाल दिया है लेकिन USB पोर्ट जोन सी रेगुलर रख दी है, तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ समझ नहीं आई। ये 90,000 रुपये में, वैसे इसकी जगह कोई बेटर Vivo V17 Pro वो बेटर है 90,000 की रेंज में। अगर ओप्पो में देखना चाहते हो तो ओप्पो में Vivo ओप्पो रियल मी 2 जस्ट 2 वो 80,000 रुपये का है, वो बेटर लगा। हवावे की सीरीज में कुछ समझ नहीं आई क्योंकि हवावे की कुछ खास इतनी पाकिस्तान में जो ना मार्केट नहीं है, चाहे जो भी कर लो
मार्केट इन दूसरों की मसला। हाँ, हवावे के जो लाइट लाइट सेट है जिनके साथ लाइट लगता है, हवावे मेटन लाइट, P30 लाइट, इस तरह की ज़रा थोड़े चल जाती हैं, उनकी रीसेलिंग भी है, लेकिन मैंने समझता कि इतने ज़्यादा पैसे इस सेट पे लगाने चाहिए। माना कि हवावे इस वक्त जो सा बेस्ट 2000 जो सा 19 का लास्ट का जो सा अवार्ड मिला था कैमरे का, हवावे P30 प्रो को मिला था, लेकिन यहाँ पे कैमरा दिखता कौन है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो बात एंड पे करनी थी वो स्टार्ट पे करनी थी, अब एंड पे कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल, अगर आप नए हो तो कमेंट कर दो आप लोगों को क्या लगता है क्या मोबाइल इन्होंने बनाया। मेरी तो समझ से बाहर है, कुछ खास नई चीज़ नहीं मुझे लग रही। एंड्रॉइड 9 वर्जन तो दिया है इन्होंने, लेकिन डंडी डोरी है, कोई एक चीज़ बढ़ा दी दूसरी कम कर दी।